खाना बनना। लेकिन आज मैं तमाशाई हूं, ये और बात है कि अपना तमाशा देखने खुद आया। सफदर साहब ने ये बस महाराष्ट्र की है, वो धन के पक्के हो या ना हो, लेकिन मौलवी इस्माइल की पंचक्की की तरह खून के पक्के जरूर है। उन्होंने इस बस्म के इनकार का फैसला किया तो मेरी जरूरत नहीं हुई कि उनको मैं मना कर सकूं। मैं उनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जमाने में इस मोहब्बत की महफिल सजाई और आप सबको जो ये मौका फराहम किया कि आप मुझ जैसे बेमिजाज शख्स के बारे में लोगों के कलिमात सुन सकें। हजरात, मैं अपने बारे में क्या कहूं, मेरा खमीर जिन चीजों से उठा है और जैसे असातिज़ा ने मेरी तरबियत की है उसको देखते हुए ऐसी मजलिस में बैठना मेरे लिए कितना शौक है मैं इसका बयान नहीं कर सकता। ये 1980 में मेरी पहली तकलीफ शाये हुई थी और आज तकरीबन 42-43 साल का अरसा गोशे गुमनामी में मैंने गुजारा है और अपनी गुमनामी मुझे बहुत अजीज है, बहुत अजीज। गोशे में अदब के मुझे आराम बहुत है और लेकिन उस वो गुमनामी आज ऐसी सूरत अख्तियार की कर गई है कि मुझे खुद हैरत है। इन 42 वर्षों में मैंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसका एहतसाब दूसरे करेंगे। मैंने अपने तौर पर पूरी जिंदगी कलम की हुरमत को कायम रखने की कोशिश की है। पाशा साहब ही ने मुझे वसीयत की थी अपनी मौत से कुछ पहले कि देखो तुम जो कुछ लिखना हमेशा ईमानदारी से लिखना और किसी शख्सियत पर लिखते हुए तुम्हें इसका खौफ हो कि तुमको नुकसान होगा और उस नुकसान को तुम बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखते हो तो मत लिखना, लेकिन लिखना तो सही लिखना। और उसके बाद एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था मौलाना सलाहुद्दीन का कि याद रखो कि अदब में मसलहत पसंदी जब चोर दरवाजे से दाखिल होती है तो फन सदर दरवाजे से रुखसत हो जाता है। अदब में मसलहत पसंदी जब चोर दरवाजे से दाखिल होती है तो फन सदर दरवाजे से रुखसत हो जाता है। मैंने इस चीज को यह बांध के रख लिया और जो लोग जिन लोगों ने मेरी तहकीकी चीजें पढ़ी हैं और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैंने बड़े बड़े क्योंकि मैंने काजी अब्दुल वदूद की भी सोहबत उठाई है और उनकी आंखें देखी हैं, उनकी बातें सुनी हैं, रशीद हसन खान को देखा है सुना है और हनीफ नकवी और जफर अहमद सिद्दीकी जैसे महाफिकों से मेरा रब्ता रहा है तो उनसे मैंने जो कुछ सीखा उन्हीं को जो है अपनी तहरीरों में बरतने की कोशिश की है। और न मैंने किसी सताइश के लिए लिखा न किसी सिले की तमन्ना में लिखा बल्कि महज अपने ज़ौक की तकमील में लिखा। और मैं सच बताऊं कि
रशीद अहमद सिद्दीकी की एक तहरीर मैंने पढ़ी थी, उन्होंने लिखा है कि जब भी मैं कुछ लिखता हूँ और दोबारा उसको पढ़ता हूँ तो मेरी अपनी ही तहरीर मेरी नज़र से गिर जाती है। उस वक्त जो मैंने पढ़ा था तो लगा कि जो ये खामखा की बात कह रहे हैं, लेकिन हजरात आज मेरा भी वही हाल है कि मैं अपनी कोई तहरीर उठा के पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत कमी का एहसास होता है। ये महज खाकसारी नहीं बल्कि एक सदाकत का इजहार है। और रुबाई भी मैंने जो कही, शख्सी रुबाइयाँ जो कही, उनमें भी मैंने सदाकत बयानी से एक जर्रा जो है रुगर्दानी नहीं की। और ज़राफ़त का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़राफ़त तो जानते ही हैं कि ज़रीफ जो होता है हमेशा हिज़्बे मुखालिफ़ के रोल में होता है, वो तो कमज़ोरियों ही की तरफ इशारे करता है और बुराइयों ही को बताता है, तो उसमें तो बग़ैर ईमानदारी ज़रूरत से ज़्यादा ही ईमानदारी दिखानी पड़ती है। तो मैंने जो है अपना फरीजा जो है अंजाम देने की कोशिश की है, और क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये आप जानें, और मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर आप कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये आज मेरा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मैं तो कान बंद करके बैठा हुआ हूँ, बल्कि शकील से सलामी ने जब कहा कि लाम काफ मुबारक हो तो मेरे कान खुले, और मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी बातों से। चलिए भाई, अब लाम काफ की भी मुबारकबाद मिल गई, क्या कहने। तो अशरफ अली साहब ने मुझे, क्योंकि बहुत सारे मकाला कहाँ हैं और वक्त की कमी ना हो जाए, इसलिए मैं सफदर साहब और का बतौर खास फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो मखाना हजरात जैसे भारतीय साहब, जो हमारे सीनियर इतने मोस्ट सीनियर जो यहाँ तशरीफ लाए, मुश्ताक अहमदी साहब तशरीफ लाए, जो है अताबी साहब यहाँ तशरीफ लाए, इस जैसे अकाबरीन का मैं भी शुक्रगुजार हूँ, तो मुझे जैसे बेबेजार पर इन्होंने भी मौलाना सना कासमी साहब जैसे अकाबिर यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जैसे बेबेजार शख्स पर उन्होंने खामा फसाई की कोशिश की है। एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया।